दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, जब बात करने वाले हैं फिर से वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया में बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जिसके चलते आज बड़ी तेजी भी देखने को मिली और बाद में यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिली। और ओवरऑल बोले तो यहाँ पे उठक पटक देखने को मिली थी वोडाफोन आइडिया में। तो दोनों खबरों के बारे में, जो कि मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, क्योंकि दोनों खबर सीधा सीधा शेयर प्राइस पे आगे जाकर के भी असर करेगी और यहाँ पे ऊपर ले जाने में और नीचे ले जाने में बहुत ज्यादा भूमिका अदा करेगी। ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आज निकल करके आई। यहाँ पे पहले बताना चाहूंगा, वोडाफोन आइडिया में तेजी लौट करके आई। 11 रुपए 95 पैसे के आसपास क्लोजिंग, 25 पैसे ऊपर, 2.41% की तेजी। एक समय पे यहाँ पे 12 रुपये 50 पैसे का आसपास का हाई बनाया दिया था, हालांकि वहां से सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला है। यहाँ पे बात करें कारोबार, तो कारोबार भी तगड़ा देखने को मिला। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा हाईलाइट करके कि कारोबार की सिचुएशन कैसी है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे वोडाफोन इंडिया आपके सामने 11 रुपए 95 पैसे पे क्लोजिंग, 25 पैसे ऊपर, 2.14% की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 11 रुपए 70 पैसे, ओपन होता है 11 रुपए 60 पैसे के आसपास, हाई 12 रुपए 50 पैसे का, लो 11 रुपए 60 पैसे का। फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 11 रुपए 95 पैसे। यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें 31,67,49,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 7,05,34,000 शेयर की डिलीवरी, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है 22.27। तो यहाँ पे भयंकर ट्रेडिंग हुई है, डिलीवरी भी दबा करके और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी डिसेंट यहाँ पे देखने को मिले हैं। सीधा मैं आपको न्यूज पे लेके जाना चाहूंगा। मैं अपनी बकवास करके आपका ज्यादा टाइम बिगाड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। यहाँ पे मैं सबसे बड़ी जो न्यूज थी, जो कि तेजी के पीछे का कारण थी, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो, जियो एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया अप्लाई टू बिड एंड स्पेक्ट्रम ऑप्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम क्या ऑप्शन होने वाला है। डेट नोट करके लिख लीजिए दोस्तों, 1 मार्च को यहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट होने वाला, जिसमें यहाँ पे टेलीकॉम मार्केट लीडर रिलायंस जियो, सेकंड रैंकेड भारती एयरटेल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस वोडाफोन आइडिया, जो कि नंबर 3 पे है। यहाँ पे बात करी जाए टेलीकॉम इंडस्ट्री की, उस लोगों ने, तीनों ने यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करी है, फाइल करी है 4G का जो अपकमिंग ऑप्शन है उसमें यहाँ पे भाग लेने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ से यही एक न्यूज थी जिससे यहाँ पे तीनों शेयरों में पॉजिटिविटी देखने को मिली। तीनों शेयर यहाँ पे आज ग्रीन ट्रेड कर रहे थे, हालांकि सेकंड हाफ में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और यहाँ पे जो गेन था वो थोड़ा बहुत फिजल आउट होता हुआ अभी देखने को मिला। द ऑक्शन फॉर ओवर 2300 MHz ऑफ एयरवेव्स वैल्यू एट 3.92 लाख करोड़ एट बेस प्राइस इज लाइकली टू सी लिमिटेड बाइडिंग इंटेंसिटी फॉर द स्पेक्ट्रम वर्थ लेस देन 50,000 करोड़। यहाँ पे जो ऑक्शन है 2300 MHz का, वो 3.92 लाख करोड़ का है, परंतु यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि बिडिंग होगी वो 50,000 करोड़ के आसपास के हो गए, जिसमें जियो और भारती एयरटेल मोस्ट ऑफ प्लेयर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वोडाफोन इंडिया की फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, जिसके चलते वो यहाँ पे जियो और एयरटेल के जितना यहाँ पे ऑप्शन नहीं लगाएंगे, ऐसा यहाँ पे एक्सपर्टों का मानना है। बोथ एयरटेल एंड जियो हैव 5G रेडी नेटवर्क, वर्किंग अप एक्साइटिंग स्पेक्ट्रम विल बी अलाउ टेलीकॉम टू लॉन्च 5G सर्विस इमीडिएटली विदाउट वेविंग फॉर सेल ऑफ 5G एयरवेव्स। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे भारतीय एयरटेल और जियो के पास 5G रेडी है, और यहाँ पे ये लोग 5G का भी स्पेक्ट्रम खरीद लेते हैं तो यहाँ पे वो 5G की सिस्टम इमीडिएटली लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि वोडाफोन आइडिया के ऊपर यहाँ पे ऐसा कोई भी बयान नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो भारतीय एयरटेल और जियो 20,000 करोड़ ज्यादा स्पेंड कर सकती है, मतलब कि एडिशनली 15 से 20,000 करोड़ ज्यादा स्पेंड कर सकती है यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर, जो कि वोडाफोन इंडिया नहीं करने वाली, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वोडाफोन इंडिया की अभी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो उन दोनों के कंपेरिजन में मार्जिनली वीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे न्यूज थी, परंतु न्यूज पॉजिटिव है क्योंकि वोडाफोन इंडिया ने भी यहाँ पे स्पेक्ट्रम में हिस्सेदारी ली है। यहाँ पे बातें कुछ भी करी जाए, जो होगा वो 1 मार्च को देखा जाएगा कि कौन कितनी बोली लगाता है, परंतु यहाँ पे मार्केट ने इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव लिया है और इसी के चलते हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। दूसरी न्यूज यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे न्यूज वैसे देखे तो वोडाफोन आइडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे वोडाफोन
टैक्स के केसेस की बात करें जो कि यहाँ पे रेट्रो टैक्स आपको मैंने काफी बार बताने की कोशिश करी है, तो फाइनली इंडिया ने यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करी है सिंगापुर कोर्ट के खिलाफ, यहाँ पे एप्लीकेशन पैनल के खिलाफ जो वर्डिक्ट थी, जो फैसला सुनाया था, आपको पता होगा कि सिंगापुर में यहाँ पे वोडाफोन पीएलसी ने भारत के खिलाफ केस किया था जो 22,000 करोड़ के आसपास टैक्स देना है वो उसके खिलाफ, और वहां पे वो केस जीत चुके थे, परंतु भारत को यहाँ पे उसके खिलाफ आवाज उठानी थी, और फाइनली भारत ने ये फाइल करी है एप्लीकेशन उसके खिलाफ, मतलब कि यहाँ पे सिंगापुर हाई कोर्ट के खिलाफ उसकी वर्डिक्ट के खिलाफ। तो यहाँ पे ये अपने आप में थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज है वोडाफोन आईडिया के लिए। यहाँ पे मार्केट को ऐसा लग रहा था कि अभी इंडिया उसके खिलाफ यहाँ पे कोई आवाज नहीं उठाएगा, जिसके चलते यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ था। यहाँ पे बात करोगे आप कि वोडाफोन पीएलसी के ऊपर ये फाइल करी है तो वोडाफोन को क्या लेना देना, आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि वोडाफोन पीएलसी वोडाफोन आइडिया की यहाँ पे वन ऑफ द प्रमोटर है। तो दोस्तों ये दो बड़ी खबरें थी जो कि आज वोडाफोन इंडिया में उठक पठक मचाने में यहाँ पे बिल्कुल भूमिका अदा कर रही थी। अभी हमें चलना है सीधा चार्ट पे और कल के लिए क्या लेवल टारगेट आ सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करना है। तो मैं आपको सीधा जीरोधा के चार्ट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए भारी उठक पटक देखने को मिली, जैसे मैंने बताया कि आप देखे शुरुआत में तो बढ़िया तेजी, फिर थोड़ी गिरावट, फिर तेजी, और फाइनली यहाँ पे एम पैटर्न बनाते हुए नीचे की तरफ बंद हुआ है। दोस्तों लास्ट में सेलिंग प्रेशर हालांकि थोड़ा बहुत हावी होता हुआ दिखाई दिया, आप देख सकते हो बड़ी कैंडले बनी 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे। अभी यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो नीचे की तरफ 11 रुपये 90 पैसे का अच्छा खासा सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 12 रुपये 10 पैसे का अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेंज में कल हो सकता है घूमे वोडाफोन इंडिया, अगर ये रेंज को तोड़ने में कामयाब रहती है ऊपर या नीचे की तरफ तो ही आपको इंट्राडे के लिए जाना है। ऊपर की तरफ 12 रुपये 10 पैसे टूटता है तो फिर से 12 रुपये 35 पैसे और 12 रुपये 50 पैसे अभी नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। नीचे की तरफ 11 रुपये 90 पैसे टूटे तो 11 रुपये 80 पैसे और 11 रुपये 65 पैसे के रूप में नीचे की तरफ टारगेट आपके लिए होने चाहिए। मैं चाहूंगा आप अपने यहाँ पे स्टडी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाने का डिसीजन लिए। आरएसए का लेवल यहाँ पे 40 का दिखाई दे रहा है, तो आरएसए का लेवल भी थोड़ा बहुत वीक होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है या तो फिर किसी ने डीमैट अकाउंट ही ओपन नहीं किया है तो मेरी लिंक दी गई है, वहां से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरी प्राइम चैनल है उसमें आपको जगह दी जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल देर मत कीजिए, जाइए और मेरी लिंक से यहाँ पे जीरोधा या तो फिर अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करिए और फिर आप मुझे अपना नंबर सेंड कर सकते हो तो मैं आपको मेरे जो प्राइम ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड करूंगा। आई होप के दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।